Everyone, welcome back to my channel. I'm Vijita Sharma, and today we are going to understand the DNA fingerprinting part 2. In this lecture, I'm going to tell you what kind of devices are used for the DNA fingerprints. Okay, so सबसे पहले दीज आर सम स्टेप्स लाइक सिक्स स्टेप्स वी फॉलो फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंट्स बट वाई द डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर नीडेड. ठीक है, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स नीडेड क्यों है, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ रही है. बेसिकली हम जिस एरा में जी रहे हैं, दे आर द मॉडर्न एराज यानी मॉडर्न टाइम पीरियड, और इसी मॉडर्न टाइम पीरियड में आप लोग देखते हैं कि कितने क्राइम्स हो रहे हैं. ठीक है, कितने ज़्यादा यहाँ पे चोरी हो रही है, कितनी मतलब हद से ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं. राइट, सो इन क्राइम्स को हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंसान है, उसकी डेथ हो गई है, और जिसने डेथ की यानी कि एक विक्टिम है, जिसने डेथ करी है वो एक क्रिमिनल है, तो उसका जो ब्लड है वो नीचे गिरा हुआ है. किसका? विक्टिम का. और जिसने क्राइम किया, सपोज कीजिए उसका भी जो ब्लड है वो जमीन पर गिर गया और मिक्स हो गया किसी विक्टिम के ब्लड के साथ में. अब क्या होगा कि जो डीएनए हमें चाहिए फिंगरप्रिंट के लिए चाहिए, वो डीएनए दोनों ही हमें ब्लड में मिल गए, यानी कि क्रिमिनल का डीएनए भी मिल गया और विक्टिम का डीएनए भी मिल गया. तो काफी इजी प्रोसीजर हो जाता है जब हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता लगती है कि यार ये फिंगरप्रिंट्स तो यार उस इंसान के हैं, तो वही क्रिमिनल है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स. और दूसरा ये है कि मॉर्टेनिलिटी एंड पैटर्नलिटी टेस्ट को भी आजकल बहुत यूज किया जाता है एज अ डीएनए फिंगरप्रिंट्स. तो क्यों लिया जाता है इनको यूज में? क्योंकि क्या होता है कि इनके हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेबीज जो हैं वो सेम है, या हो सकता है कि किसी का बेबी शिफ्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं लास्ट में जब उन्हें बेबी सबमिट करते हैं तो उससे पहले एक बार डीएनए टेस्ट करवा लिया जाता है फ्रॉम द फादर, कि फादर का डीएनए बच्चे के साथ में एक्सचेंज तो नहीं हुआ. तो इस वजह से भी हम आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में डीएनए फिंगरप्रिंट्स को यूज लेते हैं. ठीक है, तो चलिए कुछ डिवाइसेस को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट और काम के हैं. तो चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे ब्लड सैंपल. ब्लड सैंपल मान लीजिए कि एक विक्टिम है और एक क्रिमिनल है. ठीक है, दोनों के जो ब्लड है वो एक ही टेस्ट ट्यूब में हमने कलेक्ट कर लिया, यानी फॉरेंसिक लैब वाले आए और उन्होंने क्या कर लिया, ब्लड के सैंपल को ले लिया. ओके, नाउ अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब आप क्या करोगे भाई, ब्लड में से ऐसा क्या निकालोगे, या ब्लड में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप डीएनए को आइसोलेट करोगे. ब्लड में तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए डीएनए भी नहीं होगा. तो फिर कौन से ऑप्शन पे जाओगे, डब्ल्यूबीसीज. तो डब्ल्यूबीसी में क्या चेक करोगे, न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस तो उनमें होता ही है, तो न्यूक्लियस है तो अल्टीमेटली डीएनए भी होगा. तो हमने क्या कर लिया, डब्ल्यूबीसीज में से क्या करा, डीएनए को आइसोलेट कर लिया. ओके, अब हमने जब डीएनए को आइसोलेट करा तो इस डीएनए की क्या स्पेशलिटी है कि दे आर द लॉन्ग पॉलीमर्स. लॉन्ग पॉलीमर्स मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, तो लंबे होते हैं, लॉन्ग पॉलीमर होते हैं, इसी वजह से ये खो ना जाए या एक्सचेंज ना हो जाए, इस वजह से हम एक डीएनए का क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं. एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कॉपीज बनाना. तो हम एक डीएनए के नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं, किसके थ्रू, पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू. ठीक है, अब जब हमने नंबर ऑफ कॉपीज बना ली हैं तो बस अब उसे कटनी तो करना बाकी है ना. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सेकंड स्टेप पे डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द इको आर वन. इको आर वन को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है मॉलिक्यूलर सीजर है. मॉलिक्यूलर सीजर मतलब काटने के काम आता है, किसको, हमको, कपड़ों को, नहीं नहीं हमें नहीं काटता है, किसको काटता है, डीएनए को कट करता है. ठीक है, तो याद रखिए कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. ये जो इको आर वन है इसका नाम ही रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा. जब हमने इस डीएनए को क्या करा, मॉलिक्यूलर सीजर से कट किया, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बन गए, यानी कि डीएनए फिंगर फ्रेगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस, यानी कि क्या हो गए, इनके कट्स बन गए, छोटे छोटे, कोई तो बिल्कुल छोटे हैं, कुछ बिल्कुल बड़े बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं. तो क्या हो गए, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बढ़ गए, कट हो गए. अब इनको कैसे सेपरेट किया जाए, हम कैसे ढूंढेंगे यार कि छोटा वाला डीएनए चाहिए हमको, तो कि तुम जो है हमको बड़ा वाला डीएनए दे दो. अरे नहीं, ऐसा नहीं होता. और अगर ऐसा होता भी है तो आपको उसके लिए एक डिवाइस को यूज लेना होगा. द डिवाइस नेम इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखो मैंने यहाँ पे बनाया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें क्या होता है कि हम ये जितने भी क्या है डीएनए के सेगमेंट है, डीएनए के फ्रेगमेंट है, इनको किस में डाल देते हैं, इन वेल्स के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करे, जितने भी डीएनए सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, इनको क्या करा, वेल्स के अंदर डाल दिया. वेल्स के अंदर डालने के बाद में हमने यहाँ पर लगाया क्या, एग्रोज जेल. देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या एक फिल्म होती है, उस पर क्या लगा रहे हैं, हम एग्रोज जेल लगा रहे हैं. ठीक है, एग्रोज, एग्रोज कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, मेराइन एल्गी से. ठीक है, मेराइन एल्गी से क्या हुआ है, एग्रोज आइसोलेट किया जाता है, सीवीड जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, एक तरफ हम लगा देते हैं एनोड, एक तरफ लगा देते हैं हम कैथोड. एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेचर में, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है नेचर में. अब आपको पता है डीएनए कौन से नेचर का होता है, डीएनए कौन से नेचर का होता है, डीएनए जो है नेगेटिव, नेगेटिव नेचर का होता है, यानी कि माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पर. क्योंकि क्यों होता है डीएनए चार्ज, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से. तो देखिए अब हमने क्या करा, एग्रोस जेल लगा दिया.
ठीक है, एग्रोस जेल लगाने के बाद में पता है जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोवाइड करी इस डिवाइस पर, तो क्या हुआ इस वेल से निकल करके, देखो इस वाली थर्ड वाली स्टेप पे देखिए, इस वेल से निकल करके क्या होगा, जो सबसे छोटे वाले फ्रेगमेंट्स थे ना इसमें, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे सेगमेंट्स थे, वो सब आगे के और आगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब कैथोड, कैथोड से क्या होंगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि कैथोड जो है इधर जाएगा एनोड की तरफ, यानी कि अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो क्या हो गया जो भी माइनस वाले चार्ज थे वो सारे प्लस की तरफ चले गए, तो जो भी छोटे वाले थे, जो भीड़ में छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो फटाफट से निकल जाते हैं, जो बड़े होते हैं मोटे होते हैं वो कैसे निकलेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करा हमने, जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मदद से यहाँ पर क्या हो गए स्मॉल सेगमेंट्स आगे आ गए और मीडियम वाले बीच में आ गए और सबसे लार्ज पीछे की तरफ आ गए, देखो हमने लिखा है सबसे स्मॉल आगे फिर मीडियम बीच में और लार्ज सबसे पीछे की तरफ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग का मतलब पता है क्या होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली एक शीट लगाते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक शीट लगाते हैं, इसके ऊपर जब ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं ना एक के पीछे एक, तो उसके बाद में हम जो प्रोसीजर अपनाते हैं दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज हम यहाँ पर नाइट्रोसेल्युलोज की एक शीट लगाते हैं, एक पेपर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे शीट लगाएंगे वैसे ही जो डीएनए सेगमेंट्स हैं फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे नाइट्रोसेल्युलोज से चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो भी सेगमेंट्स हैं ये क्या हो गए स्टिक हो गए, इसी को हम क्या कहते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसी को हम साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब जब यहाँ पे सीक्वेंसेस अरेंज हो जाएंगे तो हम लास्ट में क्या करेंगे सीक्वेंसेस को हटाना भी तो है, तो सीक्वेंस को हटाने के लिए नाइट्रोसेल्युलोज शीट का यूज लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, ठीक है ना। अब फिफ्थ स्टेप देखो, अब तक का जितना प्रोसीजर था काफी सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, लेकिन मे भी यहां से आ सकती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रोब, प्रोब क्या होता है, देखो प्रोब का मतलब यहां पे लिखा है हमने स्मॉल साइज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, छोटे होते हैं प्रोब, सिंगल होते हैं, ठीक है, स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है ATC, ये बिल्कुल छोटा है, ये एक प्रोब है, ठीक है, और कैसा है सिंगल स्ट्रैंड, डबल नहीं है सिंगल स्ट्रैंड है। हो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेड टू वी एन टी आर, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस वीडियो, VNTR का मतलब मैंने आपको जस्ट लास्ट क्लास में भी समझाया था वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, कि यहाँ पर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते हैं दे आर कॉल्ड एज VNTR। अब पता है क्या होता है प्रोब का ये फंक्शन है, प्रोब जो है इसका फंक्शन ये है कि हम प्रोब को क्या करते हैं नाइट्रोसेल्युलोज के जो शीट है उस पर डाल देते हैं, ठीक है। क्या करा हमने प्रोब को नाइट्रोसेल्युलोज जो शीट है उस पर डाल दिया, डालने के बाद में इसका काम ये है कि जो प्रोब है ये क्या करेगा VNTR से बस जुड़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल, ये चीज़ फंडा, ये चीज़ काम तभी करेगी आपकी जब आपका VNTR और प्रोब एक दूसरे से कैसे हो कॉम्प्लीमेंट्री हो, आ रही है बात समझ में। तो हम क्या करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो विक्टम है उसके अंदर TAG, ये क्या है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो TAG मान लो कि हमें चाहिए यार TAG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हैं साइंटिस्ट यानी कि प्रोब को बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है ATC जो है उसको बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री TAG के। जैसे ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना तो पता है इसमें क्या हो जाएगा इस प्रोसीजर में दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जैसे ही प्रोब VNTR से बाइंड हो गया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोब और VNTR एक दूसरे से जुड़ कैसे रहे हैं, तो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर अटैच, दे आर स्टिक टूगेदर, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बता रही हूँ कि प्रोब और VNTR जब जुड़ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइज DNA कहते हैं, क्या कहते हैं हाइब्रिडाइज DNA कहते हैं, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइज DNA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे मैं पता लग गया। देखो अब यहाँ पे क्या होता है प्रोब और VNTR जैसे ही एक दूसरे से जुड़ते हैं यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, क्या निकलती हैं कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही प्रोब जो है अगर VNTR से जुड़ गया तो यहाँ से निकलती है कुछ रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस यहाँ पे सिग्नल्स दे देती हैं साइंटिस्ट को कि हमारा जो प्रोब है वो काम कर गया किससे VNTR से, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए। अब पता है क्या होगा, अब इस शीट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जब हमने प्रोब को इसमें क्या करा दिया इंट्रोड्यूस करवा दिया, जब प्रोब VNTR से जुड़ गया तो अब क्या करना बाकी है, अब बाकी सीक्वेंस को हटाओगे ना, बाकी फ्रेगमेंट्स को रखने का क्या मीन्स है, आपको तो वैसे ही कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमारा डीएनए कौन सा है, कौन सा हमें पता लगेगा कि इसमें हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है, तो क्या करेंगे इसको करेंगे हम वॉश ऑफ, यानी कि धो देंगे, किससे पानी से नहीं धोना है, इसको धोना है इथेनॉल से, किससे वॉश ऑफ करेंगे इथेनॉल से वॉश ऑफ करेंगे, किसको इस पूरी शीट को इथेनॉल से हमने क्या कर दिया वॉश ऑफ कर दिया। जैसे हम इसे वॉश ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ पर VNTR यानी कि हाइब्रिडाइज DNA मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हाइब्रिडाइज DNA, पर अभी प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ, हमें अभी भी नहीं मालूम कि कौन से फ्रेगमेंट्स हट गए हैं और कौन से प्रेजेंट हैं इस शीट पर,
क्योंकि हमें नहीं दिखाई देते, जब हमें सेल नहीं दिखाई देता नेकेड आई से तो हमें डीएनए कैसे दिखाई देगा। तो बस हमने इथेनॉल से वॉश किया है। अब जो भी फ्रेगमेंट्स होंगे, जो भी हमारा हाइब्रिडाइज डीएनए होगा, वो इस शीट पर लगा रह जाएगा, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव होने के बाद में इस शीट पर आइए, इस टॉपिक पर आइए, सिक्स्थ वाले पर, इस पॉइंट पर। सिक्स्थ वाली स्टेप कहती है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हाइब्रिडाइज डीएनए देन एक्सपोज टू एक्सरे। एक्सरे से क्या करते हैं, इस पूरी फिल्म को क्या करवा देते हैं, एक्सपोज करवा देते हैं। और जब एक्सपोज करवा देते हैं तो हमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स नजर आते हैं, और यही पैटर्न्स आपके क्या लगते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंट। डिवाइसेज नेम मैंने आपको बताए हैं, बस आपको कुछ चीज़ें लर्न रखनी है जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल रहेगी इस वीडियो से। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।